हमारी दाल फ्राई कितनी मज़ेदार बनी है और कितनी कलरफुल और अच्छी लग रही है। आपको भी ऐसा बनाना है तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं दाल फ्राई रेसिपी। वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम दाल फ्राई बनाएंगे जो बहुत मज़ेदार होती है। जब आप कोई भी पकवान खाकर थक जाते हैं तो दाल तो आपका मन करता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाल फ्राई बनाने की रेसिपी। दाल तड़का बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 100 ग्राम्स तुअर दाल ली है मैंने, एक घंटा भिगो कर रखा था और उसका पानी मैंने निकाल लिया है, और थोड़ी सी इमली भी भिगो कर रखी थी उसका भी पानी मैंने निकाल लिया है, और रेड चिल्ली पाउडर लिया है, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी राई, दो टमाटर को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, और एक प्याज मीडियम साइज़ का लिया है, और नमक, जितना आप नमक लेते हैं उतना आप अपने अंदाज से ले लीजिए, और मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और कड़ी पत्ता, हरा धनिया, और हमें तड़का लगाने के लिए घी लिया है, और मैंने हींग ली है, आप कोई भी हींग ले सकते हैं। मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब कुकर में मैं दाल डालूंगी जो मैंने एक घंटा पहले अच्छे से भिगो कर रखा था। सारी दाल इसमें डाल लूंगी और मैं इसमें पानी डाल लूंगी। हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना कुकर के ऊपर से निकलकर वो बाहर आ जाएगा। हमने दाल भिगो कर रखी थी तो पानी हमें थोड़ा ही लगेगा, ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। देखिए सिर्फ थोड़ा सा दाल जितनी है उससे थोड़ा सा ही मैंने ज़्यादा लिया है पानी। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी ताकि वो ऊपर से ना निकले। ऐसे तो मैंने पानी कम डाला है नहीं निकलेगा, फिर भी मैं 1/2 टीस्पून जितना इसमें ऑयल डालूंगी। अब हम रेड चिल्ली पाउडर और टर्मरिक पाउडर डाल देंगे, और जो टमाटर हमने कट कर कर रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे ताकि वो भी दाल के साथ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें जब तड़का बनाते हैं जब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसे डालेंगे तो हमारे टमाटर अच्छे से उसमें गल जाएंगे। अब मैं इसका लीड लगा दूंगी। मैंने कुकर का लीड लगा लिया है और 2 विजिल आने तक मैं इसे कुक करूँगी। फ्लेम में हमारी हाई है तो मैं इसे 2 सीटी आने तक कुक करूंगी। अगर आपने दाल नहीं भिगोया है तो आपको ज़्यादा सीटियां लेनी पड़ेगी, हम वरना हमारी दाल नहीं गलेगी। मैंने दाल को भिगो कर रखा था इसीलिए मुझे टाइम कम ही लगेगा। 2 विजिल आने पर ही मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। 2 विजिल हो चुकी है, मैं चेक कर लूँगी। देखिए हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। इसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी अच्छे से, स्पून से मैं अच्छे से इसे मैश कर लूँगी। देखिए आपको और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो कर सकते हैं। अब मैं इसमें इमली का पल्प डालूँगी। इमली का पल्प मैंने डाल दिया है। और मैं इसमें नमक डालूँगी, फिर टेस्ट कर देखूंगी, अगर थोड़ा सा कम लगे तो फिर से डालूंगी। हमारी दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पहले स्टार्टिंग में मैंने पानी बिल्कुल कम डाला था, अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूंगी और टेस्ट कर देखूंगी कि वो नमक या कुछ कम है। मैंने इमली का पल्प डाला था, मैं चेक कर लूँगी दोनों सही है या नहीं। नमक बिल्कुल सही है। अब मैं इसे एक बॉईल आने तक कुक करूँगी। दाल को मैंने दूसरी साइड रख लिया है ताकि वो थोड़ा सा उबल जाए। मैं इसे दाल को फ्राई के लिए रेडी कर दूँगी। एक पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, वो अच्छे से गर्म हो जाए। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें थोड़ी सी राई डालूंगी, राई अच्छे से चटक जाए तब मैं उसमें ज़ीरा डालूंगी।
ज़ीरा भी डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा ये हो जाए मैं उसमें हींग डालूँगी, चुटकी भर हींग डालूँगी और प्याज को डाल दूँगी। इधर देखिए इस साइड हमारी दाल पक रही है और इस साइड ये फ्राई भी हो रहा है हमारा ऑनियन। देखिए हमारी प्याज थोड़ा सा भुन चुकी है, मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, अच्छे से भून लूँगी। आप अदरक लहसुन नहीं डालते तो सिर्फ लहसुन भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। अब मैं हमारी दाल जो मैंने उधर साइड में बॉईल करने के लिए रखा था वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है, अब इसमें मैं डाल लूँगी। देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा इसे कुक कर लूँगी। पहले ही मैंने अच्छे से दाल को कुक कर लिया था इमली का पल्प डालकर, ज़्यादा कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हमें घी का तड़का लगाना है। घी का तड़का लगाएंगे तो हमारी दाल अब हम इसमें घी का तड़का लगाएंगे, हमारी दाल रेडी हो जाएगी। बस मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और तड़के के लिए अब मैं तड़के के लिए घी डालूँगी। मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। जब हमारा घी अच्छे से गरम हो जाए तब मैं उसमें बिल्कुल थोड़ा सा, पहले ही मैं ज़ीरा डाल चुकी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा इसमें फिर से डालूँगी। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी। देखिए हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया और करी पत्ता फिर से थोड़ा ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर मैं उसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालूँगी। पहले मैंने उसमें दाल में डाल लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालूँगी इसमें। देखिए बस मैंने 1-2 पिंच डाला है। अब मैं इसमें सारा तड़का इसमें डालकर ढक्कन को मूछ लूँगी।